केरल के वायनाड जिले में सोमवार को हुए भूस्खलन के बाद यहां के चार गांव पूरी तरह साफ हो गए हैं। इस प्राकृतिक आपदा के कारण अभी तक 256 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की भी खबर आई है और कई लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। अब तक 3,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। भारी बारिश के बीच कीचड़, चट्टानों और पेड़ों के बड़े बड़े टुकड़ों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चूरनमाला और मुंडकई के बीच जो पुल ढह गया था, उसे सेना के जवान फिर से बनाने में जुटे हैं, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आ सके। वायनाड से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो उस तबाही की कहानी बयां कर रही हैं, जिसने केरल ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। दरअसल सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात वायनाड में जबरदस्त बारिश आफत बनकर आई। रात 1 बजे से 5 बजे के बीच 3 बार लैंडस्लाइड हुई। इसमें पहाड़ के नीचे गलचेली यार नदी के कैचमेंट में बसे 4 खूबसूरत गांव चूरनमाला, अट्टामाला, नूलपूझा और मुंडकई में तबाही आ गई। देखिए, अभी जो हमें सूचना मिली है, तकरीबन 200 से ज़्यादा डेथ्स वहाँ पर हो गई हैं, बॉडीज़ रिकवर हो रही हैं, तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग जो है वो इंजर्ड हैं। पहले दिन तकरीबन 150 लोगों को रेस्क्यू किया गया था, लाइव रेस्क्यू, और आज का जो सिचुएशन है उसमें कल री अलाइनमेंट किया गया था, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ था जो साइट्स का, और उसमें अभी जो इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पर मकान थे, बड़े मकान, उन जगहों पर खोज हो रही है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग दबे हुए हैं उनकी डेड बॉडीज़ निकाली जा सके। देखिए, अभी चूँकि आपको पता है कि एक ब्रिज कोलैप्स हो गया था जो मेन एक्सेस था गांव की तरफ, तो उससे एक बाधा ये आई कि हैवी मशीनरी जो काम करने में, मलबे को हटाने में काम आती है, उसको मूवमेंट करने में मुश्किल हो रही थी। अभी ये कार्रवाई हो रही है, इंडियन आर्मी द्वारा इंजीनियरिंग रेजिमेंट वहाँ पर कार्य कर रही है, और शाम तक हमें जानकारी मिली है कि ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद हैवी मशीनरी मूवमेंट करने से हमारा काम इजी हो जाएगा। इसके साथ साथ एक मिनी ब्रिज भी बनाया जा चुका है वहाँ पर, जिससे कि जो पहले जिप लाइन बनाया गया था और उससे थोड़ा असुविधा होती थी जाने में, अभी एक मिनी ब्रिज बना दिया गया है, तो इसमें अभी कार्रवाई चल रही है। फिलहाल जो अभी वहाँ पर टीम्स हैं वो पर्याप्त बताई जा रही हैं। इसमें अभी रिव्यू मीटिंग भी ली गई थी उच्च अधिकारियों द्वारा और CM केरला द्वारा, और सर्वे भी किया है, और इसमें जो टीमें अभी मौजूद हैं, NDRF की 4 टीमें मौजूद हैं, आर्मी के इंजीनियरिंग रेजिमेंट हैं, DSC हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, फायर सर्विसेज के लोग हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड्स के भी लोग मौजूद हैं। तो जो वहाँ पर अभी टीम्स जो मौजूद हैं वो पर्याप्त यहाँ पर जुलाई से यहाँ पर काफ़ी मुश्किल काम, हम लोग अलग अलग जगह से यहाँ पर एयरफोर्स और गाड़ियों के थ्रू यहाँ पहुंचे। आज के डेट में यहाँ पर 500 से ज्यादा फौजी यहाँ पर तैनात है, अलग अलग काम में। सबसे मेन काम यहाँ पर रेस्क्यू और रेस्क्यू ऑपरेशन में, उसके लिए तकरीबन 350 फौजी जो कन्नौर, कोड़ीकोट और ट्रिवेंड्रम से उनको 2 दिन पहले, 1 दिन पहले एयरलिफ्ट किया गया था और एयरफोर्स के एयरफोर्स और वहां से। इसके अलावा हमारा फिशिंग टीम 160 लोग उसमें थे और 220 फीट का ब्रिज हम बैंगलोर से ले पाए और उसको अभी आप देख रहे हैं कि अभी हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। सर, क्या ये ब्रिज पूरा होने के बाद अभी जो काम चल रहा है कि कब पूरा होगा? सर, आज पूरा होगा, आज दोपहर तक पूरा हो जाएगा, उसके बाद इस काम के लिए हम खोल देंगे ताकि तुरंत हमारा दूसरा फेज इस ऑपरेशन का शुरू हो जाए, हमारे लिए भी और दोनों के लिए। ये ब्रिज बहुत, अभी तो जितना लोगों का जान बचा सकते हैं जो बाहर थे उनको बचा लिया गया, अब जो घरों के अंदर फंसे हुए हैं मोस्ट लाइकली, अभी हमें उम्मीद है कि एक आध लोग जिंदा भी बच जाएंगे, बाकी हमें डेड बॉडीज भी रिकवर करना पड़ेगा। अभी तो रिकवरी ऑपरेशन ही ज्यादा हो, मिसिंग है कई सारे, बट एग्जैक्ट फिगर अभी मेरे पास नहीं है, वो तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास होगा, मेरे पास अभी उसका फिगर नहीं है, बट लोग 300 से ज्यादा लोग मिसिंग बता रहे हैं, बट मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, बट हम हर घर हर जगह ढूंढेंगे और जो भी लोग फंसे हुए हैं हम उनको निकालेंगे। सर, ये रेस्क्यू क्या है?